सभी को नमस्कार। आज हम आपको साउथ इंडियन रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए चावल। यहाँ हमने 2 कप चावल लिया है और 1 कप उड़द दाल। इसे पानी डाल के अच्छी तरह से धो लेंगे, लगभग 2 से 3 बार धोकर पानी को फेंक देंगे। अब इसमें हमने अच्छा फ्रेश पानी डाल के रख दिया है। अब इसे लगभग 6 से 7 घंटा भीगने के लिए छोड़ देंगे। 7 घंटे के बाद देखिए हमारा चावल कितना अच्छा फूल चुका है, भीगा फूला हुआ कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, बस ज़रा सा पानी। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा पेस्ट जो है एकदम लिक्विड जैसा बन जाएगा। हमें लिक्विड पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाना है। जैसे हमने आपको दिखा रहे वैसे एकदम गाढ़ा बनेगा, तभी हमारे पुनगुलू जो है वो बहुत अच्छी तरह से आएंगे। इसे साउथ इंडियन में पुनगुलू कहते हैं। पेस्ट एकदम गाढ़ा होना है। अब हम इस पेस्ट को 6 घंटा ऐसे ही छोड़ देते हैं। 6 घंटे के बाद देखिए हमारा पेस्ट कितना अच्छा फूल चुका है, इसमें अच्छा खट्टापन भी आ चुका है। ये जितना भीगता है उतना इसमें खट्टापन भी आता है। खट्टापन आने से ही जो भजिए होते हैं बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब हम इसमें कुछ कटे हुए प्याजों को डालेंगे। हरी धनिया पत्ती, हमने यहाँ अपने स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक स्वाद के हिसाब से डाल लीजिए। ज़ीरा, अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा पेस्ट अच्छी तरह से घुल चुका है, देखिए कितना अच्छा तीखापन है, एकदम गाढ़ा है। हमारा पेस्ट ऐसे ही बनेगा तब हमारे गोल गोल भजिए जो है अच्छी तरह से बनेंगे। तो हमारा बैटर जो है ऐसा ही बनाना है। अब हम डीप फ्राई के लिए स्टोव में तेल डाल दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा के कढ़ाई में कुछ तेल को डाल दिए। अब हम राउंड राउंड भजिए डाल लेते हैं, जिसे साउथ इंडियन में पुनगुलू कहा जाता है। हल्का सुनहरा रंग आते तक इसे ऑयल में डीप फ्राई करना है।
हमें ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो एक तरफ अच्छी तरह से जलेगा दूसरी तरफ नहीं। तो इसलिए चम्मच को अच्छी तरह से चलाते रहना है। लगभग हमारे भजिए बन चुके हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचा हुआ पेस्ट को भी इसी तरह से हम भजिए बना लेंगे। हमारे भजिए बनके तैयार हो गए। अब इन भजियों के लिए हम चटनी भी तैयार करते हैं। बिना चटनी तो भजिए नहीं खा सकते ना। चलिए अब इनके लिए हमें क्या चाहिए वो भी बता देते हैं। 5 हरी मिर्च, 3 टमाटर को लिया है। ये 3 टमाटर, 5 हरी मिर्च, ये हिसाब एकदम करेक्ट है। धनिया पत्ती, नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक देख लीजिए। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। बन गया हमारा, चटनी भी तैयार है। इस चटनी का हम तड़का नहीं लगाएंगे। ये कच्चा चटनी ही बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको अलग से अब तड़का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारे भजिए कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं।